ये गुरुजी ये टिंकू का यंत्र है, देखें आप, ये तकरीबन इसका ये 4 इंच का ही है ये, ठीक है, 4 इंच का लंबाई है और 3 इंच की इसकी चौड़ाई है, ये 3 इंच के लगभग। ये तांबे का ढक्कन है इसके अंदर, ये ठीक है, आटे लगाए हुए तांबे का कंप्लीट ढक्कन है। इसके अंदर टेपर चूड़ियाँ लगी हुई है, जो चूड़ी है ना, ये टेपर चूड़ियाँ है जो गैस को रोकने में काम आती है ना, अपनी ये जो गैस चूल्हे की गैस होती है उसको रोकने में काम आती है ना, टेपर चूड़ियाँ जो गैस की टंकी में लगी होती है, वैसी टेपर चूड़ियाँ डलवाई इसमें ताकि इसमें से रत्ती भर भी एयर बाहर ना निकले। ये देखें आप, ये नीचे से लोहे का ढक्कन है, पूरा सेप दिया हुआ है, स्टैंड बनाया हुआ है इसका, और ये ऐसा यंत्र है, इसके ऊपर ये लगाया है ये, और ये तांबे का ढक्कन ये वाला अंदर है जो इसके ऊपर आके टिक जाता है, इसके ऊपर आ जाता है पूरा तांबे का ढक्कन, इसमें बिल्कुल भी एयर वगैरह नहीं निकलती है, ठीक है। और ये अपनी इलेक्ट्रॉनिक भट्टी है, बाकी ये सारा ही मामला है पूरी लेप का, ये इधर चूल्हे वूल्हे का काम चलता रहता है। और ये गंधक जारण इसमें होती है, ये देखो मैंने इसमें टिंकू का लगा रखा है मोम, इसमें 2 सकोरों में बंद करके इसको रेत में दबा के इसमें गंधक जारण कर देंगे। और ये भी टिंकू का ही अमल है, ये कजली बनाई हुई है वर्किया दालचिकना और क्या बोलते हैं इसको पारे की, ठीक है, ये इसकी है, और बाकी ये संपुट वगैरह बंद है।